लाहौर एलिफेंट अपर एंड जूनियर स्कूल। बेटा 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 12, उसमें से जो है हमने लास्ट टाइम स्ट्रक्चर ऑफ ईयर को डिटेल में देखा था, आज उसी का थोड़ा सा जो रिलेटेड पार्ट है टॉपिक का वो हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बेटा आपकी बुक का पेज चैप्टर नंबर है 12, पेज नंबर है 47, पेज नंबर है बेटा आपके पास 47। तो जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा जी, वो है हमारे पास प्रोसेस ऑफ हियरिंग। लास्ट लेक्चर में हम डिटेल में देख के आए हैं कि किस तरह से जो आपके पास एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इंटरनल ईयर का स्ट्रक्चर होता है, आज हम देखेंगे कि बेटा जो सुनने का प्रोसेस है वो किस तरह से होता है, किस तरह से वेव्स आती हैं, कहाँ कहाँ पे आगे टकराती हैं और फिर कहाँ कहाँ पे चेंजेस होने की वजह से हमें जो आवाज है वो क्या होती है, सुनाई देती है। तो बेटा सबसे पहले डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो क्या होता है जो हियरिंग के प्रोसेस में, सिंपली आपके पास ये जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ये जो आउटर आपको नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं पिन्ना, ठीक है। पिन्ना क्या करता है, बाहर से आने वाली साउंड वेव्स, मतलब जो एनवायरमेंट से साउंड वेव्स आ रही हैं, उनको क्या करेगा, इट डायरेक्ट द साउंड वेव टुवर्ड द ऑडिटरी कैनाल, ठीक है। मतलब कि बाहर से आने वाली जो साउंड वेव्स हैं उनको इसने कहां भेज दिया है, ऑडिटरी कैनाल में। अब जो वेव्स हैं जब वो ऑडिटरी कैनाल में पहुंचेगी तो आपको पता है कि ऑडिटरी कैनाल के लास्ट पे आपके पास ईयर ड्रम प्रेजेंट है, ठीक है। जब यही वेव्स जाके टकराएंगी ईयर ड्रम पे, जब यही साउंड वेव्स जाके टकराएंगी कहां पे बेटा, स्ट्राइक टू दी ईयर ड्रम, तो आपके पास क्या होगा, यहां पे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। जैसे भी आप फॉर यहां पे कान के पर्दे के साथ जब ये वेव्स जाके टकराएंगी तो उसमें क्या वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी, वहां से बेटा जो वाइब्रेशंस हैं वो एक्सटर्नल ईयर से मिडिल ईयर में एंटर होंगी। ये वाला जो पार्ट है सारा ये मिडिल ईयर का पार्ट है, मिडिल ईयर में पहले जाएंगी किसके पास, वो मेलियस के पास, ठीक है। मेलियस से इंकस के पास और इंकस से फिर स्टेप्स के पास। अब ये तीनों जो है मिडिल ईयर जो बोन्स हैं, ओसिकल्स भी हम जिन्हें कहते हैं, वो आप लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। फिर बेटा आपने देखा था कि जो आपके पास स्टेप्स है, स्टेप्स किसके साथ कनेक्टेड होती है, ओवल विंडो के साथ, ठीक है। यहां से जो वाइब्रेशन है मिडल ईयर से जाएगी कहां पे, ओवल विंडो में, ठीक है। फिर ओवल विंडो से बेटा जी वो जाएगी टुवर्ड द मिडल डक, ठीक है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो आपके पास इनर पार्ट है कोक्लिया, उसके तीन डक्स हैं, उसमें जो मिडल डक है बेटा वहां पे जाएगी आपके पास ये साउंड वेव्स जाएंगी, और जो मिडल डक है वहां पे यहां पे फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है। यहां पे फ्लूइड प्रेजेंट है, जैसे ही ये वाइब्रेशंस वहां पे मिडल जो डक्ट है उसमें आएगी तो ये जो फ्लूइड है ये क्या करेगा, मूव करेगा। इस फ्लूइड में क्या प्रेजेंट है, सेंसरी सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। वो क्या करते हैं, वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, और जो है आपके पास स्टिमुलेट कर देते हैं यहाँ पे सेंसरी सेल्स को, ठीक है। ये सेंसरी सेल्स फिर बेटा आपके पास एक नर्व ट्यूब के लिए सिग्नल भेजते हैं ब्रेन को, और जो सुनने का प्रोसेस है फिर वो हमें महसूस होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ हियरिंग। तो अगर हम इसे थ्योरेटिकली देखें, सबसे पहले क्या होता है बेटा, पहला स्टेप इसमें कि पिन्ना डायरेक्ट द साउंड वेव्स टुवर्ड्स द ऑडिटरी कैनाल, ठीक है। रटा नहीं लगाना, सीधा डायग्राम देखें और इसे लिखते हैं कि पिन्ना डायरेक्ट द साउंड वेव टुवर्ड द ऑडिटरी कैनाल। नेक्स्ट क्या होगा जी, व्हेन साउंड वेव्स रीचेस टू द ईयर ड्रम, यहाँ पे आप स्ट्राइक भी लिख सकते हैं, When sound wave reaches or strike to the eardrum, जब वो ear drum के साथ जाके टकराएंगी vibration is produced, तो वहां पे क्या produce होगा बेटा, vibration produce होगी। फिर वो जो vibration है from eardrum, these vibrations move to the middle ear ossicles, from eardrum these vibrations move toward the middle ear ossicles, ठीक है। middle ear ossicles आप कौन कौन सी हैं, पहले malleus, फिर इंकस और फिर स्टेप्स। अब क्या होगा, आपको पता है कि जो स्टेप है यहाँ पे, जो स्टेप्स है वो कनेक्टेड है ओवल विंडो के साथ, ठीक है। फ्रॉम स्टेप्स वाइब्रेशंस मूव टू द मिडल डक्ट ऑफ कोक्लिया, यहां से मैंने बताया आपको मिडल डक्ट ऑफ कोक्लिया में क्या करेंगी, वाइब्रेशंस मूव करेंगी
एंड देन फ्लूइड इन द मिडल डक्ट ऑफ कोक्लिया मूव, जहां पे फ्लूइड प्रेजेंट है जब उन पे आके वाइब्रेशन पड़ेंगे तो वो फ्लूइड क्या करेगा, मूव करेगा। जैसे ही वो फ्लूइड मूव करेगा तो क्या होगा बेटा, वहां पे आपके पास जब फ्लूइड मूव करेगा तो जो वहां पे सेंसरी सेल्स हैं वो स्टिमुलेट हो जाएंगे। जैसे ही वहां पे सेंसरी सेल्स क्या होंगे, स्टिमुलेट होंगे। स्टिमुलेट होने के बाद क्या होगा, फ्रॉम दीज सेंसरी सेल्स नर्व इम्पल्स मूव टू द ब्रेन एंड हियरिंग इज प्रोड्यूस। मतलब वो जो आपके पास नर्व सेल्स हैं वो मैसेज भेजेंगे टूवर्ड द ब्रेन, ठीक है, और हमें जो हियरिंग का प्रोसेस है वो महसूस होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ हियरिंग इन ह्यूमन, ठीक है। इसके साथ ही बेटा हम यहाँ पे छोटे से दो तीन टॉपिक और भी आज के लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारे ईयर्स हैं वो आपके पास सिर्फ सुनने के प्रोसेस को में रोल प्ले नहीं करते, बल्कि वो बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है, ठीक है, जो बैलेंस है उसको भी मेंटेन करने में क्या करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं। सो आपकी बुक की हेडिंग है बेटा पेज नंबर 47 पे ही है, ईयर्स मेंटेन। नेक्स्ट बेटा अब हमने देखना है कि जो हाउ ईयर्स मेंटेन द बैलेंस ऑफ बॉडी, यही नेक्स्ट छोटा सा एक टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे आपके जो आपके ईयर्स हैं वो हेयरिंग के साथ साथ जो बॉडी का बैलेंस है उसको मेंटेन रखने में किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो टॉपिक है हमारे पास मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी बैलेंस बाय द ईयर्स। बेटा अगर हम इसकी बात करें तो इसके लिए हमारे पास दो स्ट्रक्चर हैं जो ईयर के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला बेटा सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल, और दूसरा बेटा आपके पास वेस्टिब्यूल। क्या है वेस्टिब्यूल? अब ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं ये किस तरह से बॉडी का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करते हैं, अब हम वो देखते हैं। तो बेटा आपके पास ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल आपको नजर आ रही हैं, इनमें क्या होता है, दे कंटेन सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है, दे कंटेन, इनमें क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं या नर्व्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, विच कैन डिटेक्ट मूवमेंट ऑफ हेड, विच कैन डिटेक्ट एनी मूवमेंट ऑफ हेड, मतलब हेड की अगर कोई भी मूवमेंट होगी वो जो सेमी सर्कुलर के नॉल्स में मौजूद सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो क्या कर लेंगे, इसे डिटेक्ट कर लेंगे। अगर वेस्टिब्यूल की बात करें तो बेटा वेस्टिब्यूल क्या करते हैं, वेस्टिब्यूल कैन डिटेक्ट एनी चेंज इन द बॉडी पॉस्चर, क्या कैन डिटेक्ट एनी चेंज इन बॉडी पॉस्चर, पोस्चर कह लें, ठीक है, तो मतलब अगर बॉडी की पोजीशन में कोई भी चेंज आ रही है आपके पास वो क्या कर लेंगे, वेस्टिब्यूल उसे डिटेक्ट करेंगे। अब देखें सेंसरी न्यूरॉन्स जो सेमी सर्कुलर कैनाल में उन्होंने मूवमेंट ऑफ हेड को डिटेक्ट कर लिया है, और जो वेस्टिब्यूल में जो न्यूरॉन्स हैं उन्होंने जो बॉडी के पोस्चर में जब कोई चेंज आएगी तो वो उसे डिटेक्ट कर लेंगे। डिटेक्ट करने के बाद ये जो दोनों तरह की जो नर्व्स हैं या न्यूरॉन्स हैं, नर्व इम्पल्स इनसे बेटा मूव करेगी टूवर्ड दी सेरिबेलम, ठीक है, नर्व इम्पल्स किधर मूव करेगी, यहां से टूवर्ड दी सेरिबेलम जो कि बेटा ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, किसके थ्रू, टूवर्ड दी फ्रॉम दी ऑडिटरी नर्व। बेटा एक ऑडिटरी कैनाल है, एक ऑडिटरी नर्व है, ऑडिटरी नर्व आपके पास ऐसी नर्व है जिसके जरिए ये जो न्यूरॉन्स या नर्व इम्पल्सिस हैं ये भेजी जाती हैं टूवर्ड दी ब्रेन, ठीक है। तो ये था हमारे पास छोटा सा टॉपिक कि जो आपके पास ईयर हैं वो किस तरह से जो आपका बॉडी पोस्चर है या जो आपका बॉडी बैलेंस है उसको मेंटेन करने में अपना रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मजीद एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है बेटा डेफनेस, मतलब कि आवाज का सुनाई ना देना, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारे पास बेटा टॉपिक है वो क्या है, डेफनेस। डेफनेस से मुराद होता है कि ऐसे पर्सन जो इन एबिलिटी टू हियर, ठीक है, या ऐसे लोग जो किसी भी आवाज को सुन नहीं सकते, ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, डेफ कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डेफनेस। तो सिंपली हम इसे कह सकते हैं कि इन डेफनेस इट इज इम्पॉसिबल टू हियर, ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल टू हियर। अब आते हैं इसकी कॉजेज की तरफ कि ये डेफनेस है ये क्यों होती है।
बेटा इसकी बहुत सारी जो है जेनेटिक कॉजेज भी होती हैं, ठीक है, कि मतलब पेरेंट्स में जो जीन्स थे उनमें कोई म्यूटेशन हुई उस वजह से डेफनेस कॉज हुई, या बेटा इसके जो डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, ठीक है। अगर इसकी कॉजेज देखें हम तो इसकी कॉजेज में आपके पास दोनों तरह के फैक्टर्स हैं, जेनेटिक फैक्टर भी हैं और एनवायरमेंटल फैक्टर भी हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में बाद में देखते हैं, पहले अगर जेनेटिक फैक्टर्स की तरफ देखें तो ऑब्वियसली अगर इस हियरिंग के प्रोसेस में किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ऑब्वियसली जो कान का कोई ना कोई पार्ट है उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट होगा, ठीक है। तो पहली बात आ गई इसमें कि कोई ना कोई डिफेक्ट होगा। कहाँ कहाँ पे हो सकता है बेटा? वो अब हो सकता है कि यार जी आपके एक्सटर्नल ईयर में भी हो सकता है, मिडिल ईयर में भी हो सकता है और इनर ईयर में भी हो सकता है। तो सिंपली अगर हम कहें कि वो जी ईयर ड्रम में हो सकता है कोई भी डिफेक्ट, वो आपके पास जो ऑडिटरी कैनाल है, ऑडिटरी कैनाल में हो सकता है, ऑडिटरी कैनाल के बाद आपका जो है मिडल ईयर ऑसिकल्स में हो सकता है, मिडल ईयर ऑसिकल्स मतलब जो आपके पास बोन्स है उनमें हो सकता है, या आप कह सकते हैं कि जो आपका कॉकलिया है इनर ईयर, ठीक है, कॉकलिया में हो सकता है, या जो आपकी स्टेशियन ट्यूब है, स्टेशियन ट्यूब आपके पास बेटा ऐसी ट्यूब थी जो आपके मिडल ईयर को कनेक्ट कर रही थी नेजल कैविटी के साथ, ठीक है, तो स्टेशन ट्यूब में भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट तरह के डिफेक्ट्स की वजह से बेटा आपके पास जो है वो डेफनेस कॉज होती है। इसी तरह से डिफरेंट ऐसे भी प्रोसेस हैं जो हियरिंग लॉस में आपका इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की अगर बात करें तो उसमें आ जाते हैं बेटा आपके पास एक्सेसिव नॉइज, मतलब ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा शोर वाली जगह में रहते हैं उनमें जो सुनने की एबिलिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से बेटा अगर हम इसमें मजीद देखें कि आप कह सकते हो स्ट्रॉन्ग ब्लोस ऑन चीक, मतलब जो हवा की आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा स्पीड के साथ जब चीक्स पे आगे टकराती है तो उसका भी कुछ ना कुछ बेटा प्रेशर जो है वो कानों पे पड़ता है। स्ट्रॉन्ग ब्लोस ऑन चीक्स, ठीक है। इसी तरह से एंट्री ऑफ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, मतलब अगर कोई नुकीली चीज आपके कान में एंटर हो गई है, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स की एंट्री भी आपकी हियरिंग लॉस में या जो है वो हियरिंग लॉस कह लो आप या हियरिंग कम करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो बेटा डेफनेस हमने देख लिया, पीछे हमने मजीद दो टॉपिक देखे हैं कि जी बॉडी जो आपके ईयर हैं वो बॉडी को किस तरह बैलेंस करते हैं और जो हियरिंग का प्रोसेस है बेटा वो किस तरह से होता है। तो आज के लेक्चर के लिए बेटा जी इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।